हरे कृष्णा। तो आज का विषय है भटकते हुए मन को सही दिशा कैसे दें। मन का भटकना ये कोई अननेचुरल चीज नहीं है, बहुत ही स्वाभाविक है। भटकना बिखरना ये मन का स्वभाव है, जब तक उस पे हम लोग अंकुश या नियम लागू नहीं करते। हम लोग हमेशा एक युक्ति से विचार नहीं करते हैं कि मन को भटकने देने से, उस अभ्यास से हम लोग कैसे आगे जाके विपत्तियां पड़ेंगे। ये हम लोग युक्ति से विचार कभी नहीं करते। हम लोग सोचते हैं नेचुरल है, चल रहा है, चलो अच्छा है। डिसिप्लिन कौन मानता है? इन डिसिप्लिन लाइफ हम लोग को जो भी हम लोग के मन में आए हम लोग वो करें तो शायद हम लोग सुखी रहेंगे। ये नहीं मानना है, वो नहीं मानना है, क्यों माने? वो बात सही भी है, क्यों माने? लेकिन आपको अगर शांति चाहिए, आपको अगर सच में अपने अंतर का सुख चाहिए, तो सभी जो बड़े बड़े महर्षि ऋषि विद्वानगण, उन सभी लोगों ने ये निर्देश दिया है कि ये अगर आपको चाहिए, जो चीज सच में हर व्यक्ति हर इंसान का एक कॉमन इच्छा होता है कि उसको शांति मिले, उसको हृदय का सुख मिले, तो ये मन के भटकने से कभी नहीं मिलेगा। भले हम लोग वो ढूंढते हैं हर रिलेशनशिप में, सोचिए हर जगह, चाहे मार्केटिंग में जाए, चाहे बिजनेस करे, चाहे कुछ भी करे जीवन में, हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सुकून पाए, थोड़ा शांति पाए, थोड़ा मन को आनंद मिले। लेकिन हम लोग जो क्रिया कर रहे हैं, हमेशा अलाउ करना मन की हर डिमांड पूरी करना, मन को बिखरते हुए चलाना, मन को हमेशा एक मिसडायरेक्शन में चाहे अनचाहे ढंग से उसको दिशा देते रहना, ये सभी कुछ जो हम लोग करते हैं, इससे वो शांति, वो तृप्ति, वो सेटिस्फैक्शन आपको कभी भी नहीं मिलने वाला। ये अल्टीमेट सिद्धांत है। क्यों मन को दिशा दिया जाए, इसका एक कारण ये है, क्योंकि ये जो शांति, जो सुकून, ये जो सेटिस्फैक्शन है ना, ये आप किसी भी प्रयास से या कहीं बाहर से आप ये अपने अंदर नहीं ला सकते। एकमात्र अगर आप सच में सेटिस्फैक्शन, सच में सुकून, सच में मन की शांति चाहते हैं, तो मन को देना पड़ेगा सही दिशा। ये बहुत जरूरी है। भटका हुआ मन जो एकाग्र नहीं है, वो कभी भी वो शांति लाभ नहीं कर पाएगा। गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि जो संशय आत्मा है वो कभी भी शांति लाभ नहीं कर पाए। संशय आत्मा विनश्यति, जिसका मन बहुत भटक रहा है वो कभी भी शांति लाभ नहीं करेगा। तो सही दिशा भी कैसे दे, ये है सवाल। तो मेरा एक उदाहरण मैं देता हूँ। आप किसी कॉलेज में, किसी डिपार्टमेंट में, किसी सब्जेक्ट में आपने अपना दाखिला करवाया है, तो आपको वैसे ही स्टूडेंट मिलेंगे उस क्लास में। उस क्लास में पढ़ाने वाला प्रोफेसर भी आपको उसी विद्या में पारंगत मिलेगा, और उसका एसोसिएशन लेके फिर आप उस विद्या में एक सब्जेक्ट में एक डिग्री लाभ कर सकते हैं या उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो इधर भी वैसा है, मन का दिशा देना, दिशा को समझना ये बहुत जरूरी है। ये हम लोग समझते हैं उस तरीके से, बहुत प्रैक्टिकल ढंग से। मैं बोलूं आपसे या आप सुने या आप कहीं पढ़े, ऐसे कहीं मन का दिशा
आपको वो सच्चा ज्ञान भी अगर वहां पे हो तो भी आपको मन का सही दिशा में मोटिवेट करने के लिए जो अंतर बल चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा हम लोग बहुत सुनते हैं, मन को काबू में करो, मन को ये करो, नियंत्रण करो, ये सब सुनते हैं, सब बहुत सुनते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं। ये सुनने मात्र से हमारा इच्छा वैसा मोटिवेट नहीं हो सकता। तो इसके लिए चाहिए हम लोगों को वैसा व्यक्ति का संग जो सही मायने में प्रैक्टिकल ढंग से मन को सही दिशा दे रहा है, एकाग्र कर रहा है। उसके संग में जाके हम लोगों को प्रैक्टिकली जो उसका लिविंग स्टाइल, उसका डिसिप्लिन, उसका जो भी वो नियम पालन करता है वो सब कुछ हम लोग विजुअलाइज करते हैं, उसके एक्सपीरियंस का हम लोग कुछ सुनते हैं, उसके फायदे हम लोग को उसमें दिखने लगते हैं, तब जाके हम लोग मनोबल बनाते कि ना हम लोग भी ऐसा करें और तब हम लोग वो करते हैं। तो इसलिए अगर आपको सही रूप से मन को दिशा देना है अपने भटके हुए मन को, तो आपको चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का संग करना या ऐसे ग्रुप का संग करना जो इस प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। एक छोटे सा बात कहता हूं कि शास्त्रों में तो कहा गया है कि ऐसा जो संग है उसे साधु संग कहते हैं। कभी आप लोग सोचेंगे साधु संग, अरे बाप रे बाबा बन जाना है, लेकिन नहीं। साधु माने जो डिसिप्लिन मेंटेन करे, डिसिपल मींस डिसिप्लिन, जो एक नियम, एक मार्गदर्शन को फॉलो करते हुए अपने मन को नियंत्रित करते हैं, भटकना बंद करवाते हैं और लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं, उसमें वो जो गेन करते हैं, उसमें जो वो लोग लाभ पाते हैं वो प्रैक्टिकली दिखता भी है, उससे उनका अंदर का शांति भी आपको उनके फेस में नजर आता है, उनसे आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ अच्छा चलो हम लोग भी ऐसे इसी राह में चलते हैं। तो साधु मीन्स जो निर्देश पालन करे, स्पेसिफिकली साधु माने जो शास्त्र का निर्देश पालन करे। शास्त्र में दिया गया है उन व्यक्ति का मनोबल बहुत दृढ़ होता है और बहुत ही बलवान होता है जिनका मन एकाग्र होता है। जिनका मन एकाग्र नहीं है, भटका हुआ है, उनका मनोबल, उनका विल पावर बहुत लो होता है। जब आप एकाग्र करने में प्रयास करते हैं आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा और आप देखते ही देखते वो बहुत कुछ पा जाएंगे जो भटके हुए मन से आपको तब मिलेगा। और ऐसे संग में हमेशा एक हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि इस संग में क्या मिलता है, जो मैंने संग का बात किया, इस संग में हम लोग क्या प्राप्त होता है, क्या ऐसा कुछ प्राप्त होता है जिससे हम लोग को इतना इंस्पिरेशन मिलता है, वो है दो चीज के बीच में एक वर्ड है। हमको चाहिए मुक्ति, यानी किसी भी तरह मन का डिलीवरेंस, और हम लोग हैं किस पोजीशन में, भुक्ति पोजीशन में है। हम लोग का मन भटक रहा है, इसे बोलते हैं भुक्ति, जो चीज अच्छा लगा है उसके पीछे भाग रहा है बिना सोचे कि उसका इफेक्ट क्या होगा, हमारा चरित्र में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बिना सोचे भाग रहे हैं। और उससे आने वाला जो सुख की हम लोग कामना कर रहे हैं, क्या वास्तविक सुख है, ये भी हम लोग सोचते नहीं। तो भुक्ति और मुक्ति एंड डिलीवरेंस ऑफ योर माइंड, इस बीच में एक वर्ड है, उसे बोलते हैं जुक्ति, यानी लॉजिक, यानी विचार। उस संग में आपको लॉजिक मिलेगा जिससे आप इंस्पायर्ड होंगे, यानी कि हमारा जो भटका हुआ मन है जिन आकर्षणों में वो भटक रहा है, उस आकर्षणों से कैसे बच के हम लोग मन को एकाग्र करें, उसकी युक्ति इस संघ में प्राप्त होती है। इसलिए प्रभुपाद के इस्कॉन के द्वारा ये संघ अवेलेबल है। अगर आप सच में अपने मन को सही दिशा, अपने मन को सही दिशा देना चाहते हैं तो ये संघ अवेलेबल है। आप लोग खुद के प्रयास से, खुद के इच्छा से इसको प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं।
तो मेरा ये आप लोगों से विनती है कि आप सभी लोग, आप लोग जहाँ पे भी हैं वहाँ पे अगर नियर बाई आपके इस्कॉन सेंटर है, इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ जाके भक्तों का संग लीजिए, आप लोग अवश्य ही जीवन का उद्देश्य मिलेगा। हरे कृष्ण।